मुझे एहसास होता है कि शायद अजरा भाभी से लड़ते लड़ते मैं उन्हीं की तरह बनती जा रही थी वरना मेरी सास ने तो कभी मेरे साथ कुछ बुरा किया ही नहीं है के ने का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया उन्होंने पूरी मंसूबा बंदी के साथ ही खेला डाला है नसीब नजीबी ऐसी लड़की नहीं है वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है ये कोई छोटी बात नहीं है कि जमाल आधे रात को तुम्हें यहाँ छोड़ गया है मुझे तो बहुत रज होगा मैं आसमा के साथ वापस चली जाऊंगी कहाँ जाएंगी नसीर भाई तो के घर भाभी तो उन्हें फोन करके थक गई हैं, लेकिन वो तो फोन तक नहीं उठा रहे उन्हें तो इसी के बारे में कुछ मत सोचे बस आराम करें हसमा जाओ बेटा जाओ जाके देखो खाने का भुगतती आई हूँ अदालत में भी भुगत लूंगी पलट कर इस घर में वापस आने की कोई जरूरत अपने बच्चे का हाथ पकड़ो ये सिलाई मुश्किल सी अरे मैंने तो कहा था कि मेरी खारा की बेटी से कर दो आसिफ की शादी लेकिन नहीं मानी बड़ी भी अब भुगते जाने देना भाभी पुरानी बातों को दो। कहीं जा रहे हो तू हाँ वो मेरी दोस्त की शादी होने वाली है ना तो अपने लिए जोड़ा देखने जा रही थी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अज़रा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफ़ी मांगी कि अपनी सास से क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कूदा गया गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रा की तबीयत ख़राब होती है कांसी आती है उल्टी में खून आता है तो वो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट किन्सठ पॉजिटिव आती है और वह रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई ज्यादातियों का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला क्या आखिरकार ये जहर इसके पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी। जमाल अपनी बीवी को घर लाओ और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी साथ कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्षी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इर्न के वक्त पर घर छोड़ कर फ़रार हो जाएगी नसीर दो के रक्शी के घर जाकर दरवाजा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रखी का सच बताती हुए कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को असमान अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जानेब वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि सामन केबोने समान का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है यह सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा व्यूअर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अजरा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफ़ी मांगी कि अपनी सास से क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कुदक या गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रा की तबीयत ख़राब होती है कांसी आती है उल्टी में खून आता है तो वो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट खनसठ पॉजिटिव आती है और वो रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई इसियातियों का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उखला क्या ये जहर इसकी पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी जमाल अपनी बीवी को गरला और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी साँस कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्षी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इर्न के वक्त पर घर छोड़ कर फ़रार हो जाएगी नसीर दो के रक्षी के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रक्षी का सच बताती हुए कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को आसमान अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जाने वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि समन के अबो ने समान का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है ये सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा वालेकुम वीवर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अज़रा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफ़ी मांगी कि अपनी सास से क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कुदक गया गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रा की तबीयत खराब होती है कांसी आती है उल्टी में खून आता है तो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट किन्सट पॉजिटिव आती है और वह रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई ज्यादियों का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला आखिरकार ये जहर इसकी पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी जमाल अपनी बीवी को घर लाओ और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी साथ कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्षी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इर्न के वक्त पर घर छोड़ कर फरार हो जाएगी नसीर दो के रक्षी के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रक्षी का सच बताती हुए कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को असमान अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जानेब वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि सामन केबो ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है यह सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा अस्सलाम वालेकुम वीवर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अजरा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफ़ी मांगी कि अपनी सास है क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कुदक गया गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अजरा की तबीयत ख़राब होती है कांसी आती है उल्टी में खून आता है तो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट कंसर पॉजिटिव आती है और वह रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई ज्यादियों का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला कि ये जहर इसके पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी जमाल अपनी बीवी को गर लाओ और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी सास कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्शी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इर्न के वक्त पर घर छोड़कर फ़रार हो जाएगी नसीर दोला के रक्शी के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रख् का सच बताती हुई कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को आसमान अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जानेब वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि समान केबू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है यह सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा असलमैल वीवर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अज़रा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफी मांगी कि अपनी सास से क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कुदक गया गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रा की तबीयत ख़राब होती है से आती है उल्टी में खून आता है तो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट कंसर पॉजिटिव आती है और वो रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई इस का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला कि आखिरकार ये जहर इसके पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी जमाल अपनी बीवी को घर ला और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी सास कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्षी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इर्न के वक्त पर घर छोड़ कर फ़रार हो जाएगी नसीर दोबन के रक्षी के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रखी का सच बताती हुए कहेगा कि वो तो पहले से ही शादी है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को असमान अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जानेब वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि सामन केबो ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है ये सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा वालेकुम वीवर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अजरा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफ़ी मांगी कि अपनी साँस से क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कूदा गया गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रा की तबीयत खराब होती है कान से आती है उल्टी में खून आता है तो वो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट खनसठ पॉजिटिव आती है और वो रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई इस का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला कि आखिरकार ये जहर उसकी पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी जमाल अपनी बीवी को ला और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर अजर को एहसास होगा कि इसकी सास कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्शी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इन वक्त पर घर छोड़कर फ़रार हो जाएगी नसीर दोबन के रैशी के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रख् का सच बताती हुए कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को असमान अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जाने वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि समन केबू ने समान का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है यह सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा वालेकुम व्यूअर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अज़रा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफी मांगी कि अपनी सास से क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कुदक या गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रा की तबीयत ख़राब होती है कांसी आती है उल्टी में खून आता है तो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट कंसर पॉजिटिव आती है और वह रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई इस का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला कि आखिरकार ये जहर इसकी पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी जमाल अपनी बीवी को गर ला और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी साथ कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्षी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इर्न के वक्त पर घर छोड़कर फ़रार हो जाएगी नसीर नसीरदल के रक्षी के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रक्षी का सच बताती हुए कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को आसमान और अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जाने वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि समन के अबो ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है ये सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अज़रा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफ़ी मांगी कि अपनी सास से क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कूदा गया गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रा की तबीयत ख़राब होती है कांसी आती है उल्टी में खून आता है तो वह परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट किन्सठ पॉजिटिव आती है और वह रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई ज्यादातियों का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला क्या आखिरकार ये जहर इसके पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी। जमाल अपनी बीवी को घर लाओ और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी साथ कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्शी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इर्न के वक्त पर घर छोड़ कर फ़रार हो जाएगी नसीर दोला बन कर के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रक्षी का सच बताती हुई कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को असमान अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जाने वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि सामन केबो ने समान का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है यह सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा वालेकुम वीवर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अजरा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफ़ी मांगी कि अपनी सास से क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कुदक गया गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अजर की तबीयत ख़राब होती है कांसी आती है उल्टी में खून आता है तो वो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट कैंसर पॉजिटिव आती है और वह रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई इस का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला कि आखिरकार ये जहर इसके पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी जमाल अपनी बीवी को गरलाओ और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी साँस कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्शी और इसकी वालद नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इर्न के वक्त पर घर छोड़कर फरार हो जाएगी नसीर दो लबन के रक्शी के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रकशी का सच बताती हुई कहेगा कि वो तो पहले से ही शादी शुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है दो धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को आसमार अपने बेटे की

क्योंकि वह खुद मरने वाली है सांस के लिए कुदक गया गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अजरा की तबीयत ख़राब होती है कांसी आती है उल्टी में खून आता है तो वह परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट किन्सठ पॉजिटिव आती है और वो रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई यात्रियों का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला कि आखिरकार ये जहर इसके पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी जमाल अपनी बीवी को घर लाओ और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी साथ कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्शी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इन निका के वक्त पर घर छोड़ कर फ़रार हो जाएगी नसीिर लबन के रक्षी के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रक्षी का सच बताती हुए कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को असमान अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जानेब वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि समन केबो ने समान का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है ये सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा वालेकुम व्यूअर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अजरा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफ़ी मांगी कि अपनी साँस है क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कुदर गया गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रक की तबीयत ख़राब होती है कान से आती है उल्टी में खून आता है तो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट खनसेट पॉजिटिव आती है और वो रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई इस का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला कि आखिरकार ये जहर इसकी पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी। जमाल अपनी बीवी को घर ला और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी सास कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्शी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इर्न के वक्त पर घर छोड़ कर फ़रार हो जाएगी नसीर दो लबन के रक्शी के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रख् का सच बताती हुए कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को असमान अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जानेब वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि समान केबू ने समान का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है यह सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा असलमैल वीवर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अज़रा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफी मांगी कि अपनी सास से क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कुदक या गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रा की तबीयत ख़राब होती है कांसी आती है उल्टी में खून आता है तो वो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट कंसर पॉजिटिव आती है और वो रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला कि क्या ये जहर इसके पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी जमाल अपनी बीवी को गरला और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी साथ कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्षी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इर्न के वक्त पर घर छोड़ कर फ़रार हो जाएगी नसीर दो लबन के रक्षी के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रशक्कर सच बताती हुई कहेगा कि वो तो पहले से ही शादी है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को असमान अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जानेब वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि समन केबोन ने समान का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है ये सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अज़रा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफ़ी मांगी कि अपनी सास से क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कूदा गया गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रा की तबीयत ख़राब होती है कांसी आती है उल्टी में खून आता है तो वो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट किन्सठ पॉजिटिव आती है और वह रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई ज्यादातियों का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला क्या आखिरकार ये जहर इसके पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी। जमाल अपनी बीवी को घर लाओ और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी साथ कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्शी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इर्न के वक्त पर घर छोड़कर फ़रार हो जाएगी नसीर दो के रक्शी के घर जाकर दरवाजा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रखी का सच बताती हुए कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को असमान अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जानेब वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि समन के अबो ने समान का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है यह सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा असलम वीवर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अज़रा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफ़ी मांगी कि अपनी साँस है क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कुदर गया गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रा की तबीयत खराब होती है कांसी आती है उल्टी में खून आता है तो वो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट खनसठ पॉजिटिव आती है और वो रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई इस का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उखला क्या ये जहर उसकी पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वह खुद इसको लेने आएगी। जमाल अपनी बीवी को घर लाओ और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी साथ कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्षी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इर्न के वक्त पर घर छोड़ कर फ़रार हो जाएगी नसीर दो के रक्षी के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रक्षी का सच बताती हुई कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को आसमान अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जाने वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि समन के अबो ने समान का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है ये सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा अस्सलाम वालेकुम वीवर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अज़रा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफ़ी मांगी कि अपनी सास से क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कुदक गया गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रा की तबीयत खराब होती है कांसी आती है उल्टी में खून आता है तो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट किन्सठ पॉजिटिव आती है और वो रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई ज्यादियों का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला क्या आखिरकार ये जहर इसकी पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी जमाल अपनी बीवी को घर लाओ और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर अजर को एहसास होगा कि इसकी सास कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्शी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इर्न के वक्त पर घर छोड़कर फरार हो जाएगी नसीर दो लबन के रक्शी के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रक्षी का सद बताती हुए कहेगा कि वो तो पहले से ही शादी शुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत कहती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को आसमान अपने बेटे

क्योंकि वह खुद मरने वाली है सांस के लिए गुदक या गड़ा, जिसमें खुद गिरने वाली है अजरक की तबीयत ख़राब होती है कान से आती है उल्टी में खून आता है तो वह परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट कंसर पॉजिटिव आती है और वह रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई ज्यादियों का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उखला क्या ये जहर इसके पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी जमाल अपनी बीवी को घर लाओ और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी सास कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्षी और इसकी वालदे नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने बाद इन्हने कहा कि वक्त पर घर छोड़कर फरार हो जाएगी नसीर अबन के रेक्सी के घर जाकर दरवाजा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रश्मी का सच बताती हुई कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को आसमान अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जानेब वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि समान केबू ने समान का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है यह सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा असलमैल वीवर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अज़रा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफी मांगी कि अपनी सास से क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कुदक या गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रा की तबीयत ख़राब होती है से आती है उल्टी में खून आता है तो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट कंसर पॉजिटिव आती है और वो रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई इस का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला कि आखिरकार ये जहर इसके पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी जमाल अपनी बीवी को घर ला और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी सास कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्षी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इर्न के वक्त पर घर छोड़ कर फरार हो जाएगी नसीर दोबन के रक्षी के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रखी का सच बताती हुए कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को असमान अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जानेब वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि सामन केबो ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है ये सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अज़रा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफ़ी मांगी कि अपनी सास से क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कुदक गया गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रा की तबीयत ख़राब होती है कांसी आती है उल्टी में खून आता है तो वो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट कंसर पॉजिटिव आती है और वो रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई ज्यादियों का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला क्या आखिरकार ये जहर इसकी पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी जमाल अपनी बीवी को गर ला और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर अजर को एहसास होगा कि इसकी सास कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्शी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इन के वक्त पर घर छोड़कर फ़रार हो जाएगी नसीर दोबन के रक्षी के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रक्षी का सच बताती हुई कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को असमान अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जाने वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि समन केबू ने समान का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है यह सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा असलमैकमी ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट अपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अज़रा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफी मांगी कि अपनी साँस से क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कुदक या गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रा की तबीयत ख़राब होती है कांसी आती है उल्टी में खून आता है तो वह परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट कंसर पॉजिटिव आती है और वो रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई इस का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला क्या कहा ये जहर इसकी पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी जमाल अपनी बीवी को गर लाओ इसका इलाज करवाओ तुम्हारी ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी साँस कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्षी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इर्न के वक्त पर घर छोड़ कर फ़रार हो जाएगी नसीरदल के रक्षी के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रक्षी का सच बताती हुए कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को आसमान और अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जाने वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि समन के अबो ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है ये सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा वालेकुम वीवर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अज़रा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफ़ी मांगी कि अपनी साँस है क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कुदक गया गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रा की तबीयत ख़राब होती है कांसी आती है उल्टी में खून आता है तो वो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट खनसेट पॉजिटिव आती है और वो रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई यात्रियों का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला कि आखिरकार ये जहर इसकी पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी। जमाल अपनी बीवी को घर लाओ इसका इलाज करवाओ तुम्हारी ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी साथ कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्शी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इर्न के वक्त पर घर छोड़ कर फ़रार हो जाएगी नसीर दोला के कर के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रक्षी का सच बताती हुई कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को असमान अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जानेब वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि सामन केबो ने समान का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है यह सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा वालेकुम वीवर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अजरा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफ़ी मांगी कि अपनी सास से क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कुदक गया गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रा की तबीयत ख़राब होती है कान से आती है उल्टी में खून आता है तो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट किन्सठ पॉजिटिव आती है और वो रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई इस का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला क्या कहा ये जहर इसके पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी जमाल अपनी बीवी को गरला और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी सास कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्षी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इर्न के वक्त पर घर छोड़ कर फ़रार हो जाएगी नसीर दो लबन के रक्शी के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रक्षी का सच बताती हुए कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को आसमान और अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जाने वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि समन के अबो ने समान का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है यह सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा असलमैल वीवर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अज़रा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफ़ी मांगी कि अपनी सास से क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कुदक गया गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रा की तबीयत ख़राब होती है कांसी आती है उल्टी में खून आता है तो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट कंसर पॉजिटिव आती है और वह रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई यात्रियों का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला कि आखिरकार ये जहर इसके पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी। जमाल अपनी बीवी को घर लाओ और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी साथ कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्शी और इसकी वाले नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इर्न के वक्त पर घर छोड़ कर फ़रार हो जाएगी नसीर दो लबन के रक्शी के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रक्षी का सच बताती हुई कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को असमान अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जानेब वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि समन केबो ने समान का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है ये सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा वालेकुम व्यूअर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अज़रा ऐसे नहीं बदलने वाली वो माफ़ी मांगी कि अपनी सास से क्योंकि वो खुद मरने वाली है सांस के लिए कूदा गया गड़ा जिसमें खुद गिरने वाली है अज़रा की तबीयत ख़राब होती है कान से आती है उल्टी में खून आता है तो परेशान होकर अपने सारे टेस्ट करवाती है जिसमें इसकी रिपोर्ट खिंसट पॉजिटिव आती है और वो रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर इसे अपनी सारी की गई इस का एहसास होगा कि इसने क्या कुछ गलत किया जबान से इतना जहर उगला कि आखिरकार ये जहर इसकी पूरे जिसम में फैल चुका है इसके बावजूद भी बेबी बाजी को इसकी बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद इसको लेने आएगी जमाल अपनी बीवी को गर ला और इसका इलाज करवाओ तुम्हारी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर अज़र को एहसास होगा कि इसकी सास कितनी अच्छी है दूसरी जानब रक्शी और इसकी वालदा नसीर को मुकम्मल तौर पर लूटने के बाद इन ना के वक्त पर घर छोड़ कर फ़रार हो जाएगी नसीर दो लबन के रक्शी के घर जाकर दरवाज़ा पीटता रहेगा लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा स्टेट एजेंट नसीर को रक्षी का सच बताती हुए कहेगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है जिस पर नसीर इस पर गुस्सा होकर कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है धोखा खाकर सब कुछ खोने के बाद नसीर को असमान अपने बेटे की कदर हो जाएगी दूसरी जानेब वलीद के सवाल पर असम भी इसे समन के बारे में बताती हुई कहेगी कि समान केबू ने समान का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है यह सुनकर वलीद दुखी हो जाएगा क्योंकि समन भी उससे मोहब्बत करती है लेकिन वलीद उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा